हेलो नमस्ते गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनोदर ब्लू अभिलाषा। आप सभी का स्वागत है मेरे इस छोटे इस चैनल पे। तो हम लोगों की एक दिक्कत होती है, सभी स्टूडेंट की कॉमन समस्या है कि हमारा कोई ना कोई सब्जेक्ट कमज़ोर रहता है। हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा डर इसी चीज़ का रहता है कि वो सब्जेक्ट हमारा रिजल्ट ख़राब कर देगा। तो फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हमें मालूम होता है कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी हम अपने डर के कारण इतनी सारी चीज़ें सोच रही होती हैं कि ये सब्जेक्ट मुझसे नहीं होगा, मुझसे तैयार नहीं होगा, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। इस वजह से हम उस सब्जेक्ट को कभी ढंग से पढ़ ही नहीं पाते हैं, हमेशा बस उससे डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं और कभी ढंग से तैयार नहीं करते हैं। कुछ कुछ तो हम ऐसी स्ट्रेटजी सोचते हैं कि एक काम करते हैं, चलो जो सब्जेक्ट है ना हम उसी में 10-12 नंबर फालतू लेकर के आ जाएंगे, तो ये वीक वाला पोर्शन जो है ना ये सब्जेक्ट ये कवर हो जाएगा। तो अगर बात 2-4 नंबर की होती है तब तो ये फॉर्मूला ठीक है, लेकिन अगर अच्छा खासा वेटेज है उस सब्जेक्ट का तब ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के बाद भारी पड़ती है। और जो सब्जेक्ट हमें वीक लगता है वो सबको वीक तो लगता नहीं है, इसका मतलब सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमारे माइंड के अंदर है, हमने ही इतना कुछ सोच रखा है कि मुझसे नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। तो ऐसा ही एक मेरा भी सब्जेक्ट था जो कि मैंने वीडियो में भी बताया था, जैसे मुझे मैथ से काफ़ी ज़्यादा डर लगता था और मेरा वो स्कूल टाइम से ही एकदम वीक था। ऐसा नहीं है कि बीच में गैप आने के कारण मुझे मैथ्स आना बंद हो गया था, मैं स्कूल से ही एकदम फिसड्डी थी मैथ्स में, मुझे मैथ्स कभी नहीं आई, ना मेरा कोई रुचि थी मैथ्स पढ़ने में, बस मैं पास होने के लिए पढ़ती थी, पास हो जाती थी, मेरा काम ख़त्म, बस इतना समझ में आता था मुझको मैथ्स। लेकिन उसके बाद भी मुझे पता था कि रीट में अगर मुझे अच्छा स्कोर करना है, सिलेक्शन लेना है, तो मुझे मैथ्स को तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, और इसी वजह से मैंने उसे पढ़ा भी था। उसके बाद जितने मेरे मार्क्स आए थे तो मुझे अच्छा भी लगा था, खुद भी प्राउड भी हुआ था कि मैंने इतना अच्छा स्कोर किया है मैथ में। तो वो कभी किसी और वीडियो में बात कर लेंगे कि मैथ्स की किस तरीके से पढ़ना चाहिए, मैंने किस तरीके से नंबर लेके आए थे। अभी एक अलग ना वीडियो चल रहा है उसी पे आते हैं। तो वो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, मैथ्स भी हो सकता है या फिर कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे कि हिस्ट्री, हिस्ट्री भी कई लोगों को डरा देती है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि जो अपना इस वीक सब्जेक्ट का है उसको हम किस तरीके से कमांड कर सकते हैं उस पर अपनी। तो 2-3 टिप्स मैं बता देती हूँ जो कि हमें अप्लाई करनी चाहिए, जिससे धीरे धीरे सब सुधर जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। आपका वीक सब्जेक्ट भी 2-4-6 महीने पढ़ लोगे ना तो एकदम स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं झूठ नहीं बोल रही, ऐसा होता है, क्योंकि प्रैक्टिस से आप किसी भी चीज़ में महारत हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि उस सब्जेक्ट को आपको, जो आपका सबसे वीक है ना उसको आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। आप बाकी सब्जेक्ट को भले ही छोड़ दो, लेकिन जो वीक है ना उसको दिन में आपको टाइम देना ही पड़ेगा, वो आपकी मर्जी, आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, लेकिन आपको हर दिन उस सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ेगा। बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ आप थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ में भी आने लग जाएंगी, और एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन आपको वो सब्जेक्ट अच्छे से याद होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि वो सब्जेक्ट हमारा वीक है, पढ़ने में ही हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हम फिर पढ़ेंगे कैसे, उसे याद कैसे रखेंगे? तो हम वीडियो देख सकते हैं, वीडियो देख करके उसे समझ सकते हैं, वीडियो देखने में भी इंटरेस्टिंग होते हैं। और एक सब्जेक्ट के आजकल तो हमें एक एक टॉपिक के हज़ारों वीडियो मिल जाते हैं, तो फिर एक बार में नहीं, 2 बार में आएगा, 4 बार में आएगा, 6 बार में आएगा, लेकिन अगर आप बार बार देखोगे ना, वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करोगे तो आपके एग्जाम वो ज़रूर से क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो देख करके समझने की कोशिश कीजिए, एक टीचर का नहीं आता तो दूसरे का देख करके समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिए, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ की जो कमज़ोर सब्जेक्ट को आपको वीक में या फिर 10 दिन से एक छोटा सा टेस्ट ज़रूर देना चाहिए, जिससे हमें पता भी चलता है कि हमारा कितना सुधार हुआ है, और जब अच्छे नंबर आते हैं ना तो हमें खुशी भी होती है, और फिर हम और ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ उस चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं। तो 5-7 दिन पढ़िए सब्जेक्ट को, और फिर जो जो टॉपिक आप क्लियर करते जाते हैं धीरे धीरे उनके टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, तो फिर अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप वीक सब्जेक्ट को थोड़ा भाव देना स्टार्ट कर देंगे ना, तो वो भी आपको भाव देना शुरू कर देगा। और ये चीज़ तो दिमाग में लेकर ही नहीं आनी है कि मुझसे नहीं होगा, ये सब्जेक्ट मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा खुद को डराओगे ना, आपका दिमाग उतना ही उस सब्जेक्ट से दूर भागेगा। और ये जो दिमाग में ऐसी ऐसी चीज़ें डालते हैं ना, ये हम खुद के लिए मुसीबत खड़ी करते हैं, ऐसी दीवारें हमने ही अपने दिमाग के चारों तरफ खड़ी कर रखी हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बस की बात नहीं है, वरना हमारे दिमाग में इतनी पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी चीज़ को समझ सकता है।
तो अगर कोई दूसरा उस सब्जेक्ट को कर रहा है तो पूरे चांस है कि आप भी उस सब्जेक्ट को आसानी से कर लोगे। बस आप प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, डेली उस सब्जेक्ट को पढ़ना है और बाकी अपने दिमाग पे छोड़ दीजिए। और मेहनत अगर आप करेंगे तो एक ना एक दिन वो रंग जरूर लेकर के आएगी। अपने वीक सब्जेक्ट पे भी आप धीरे धीरे कमांड बना लेंगे। ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।